सोनी उन ग्राहकों को खुश करने का प्रयास कर रहा है जो एनिमे स्ट्रीमिंग सेवा के क्रंचीरोल में विलय होने पर अपनी संपूर्ण फनिमेशन डिजिटल लाइब्रेरी खो देंगे। हालांकि वर्तमान में निराश ग्राहकों को उनकी मिटाई गई डिजिटल प्रतियों के लिए उचित मूल्य देने की कंपनी की योजना बहुत सुलभ या स्पष्ट नहीं है। इस महीने की शुरुआत में सोनी के स्वामित्व वाले फनिमेशन ने घोषणा की कि ग्राहकों की डिजिटल लाइब्रेरी 2 अप्रैल से अनुपलब्ध होगी। उस समय फनिमेशन खाते क्रंचीरोल खाते बन जाएंगे। सोनी ने 2021 में क्रंचीरोल का अधिग्रहण किया, इसलिए सेवाओं के किसी प्रकार के विलय की उम्मीद थी। हालांकि ग्राहकों की प्रिय एनिमे की ऑनलाइन प्रतियों तक उनकी पहुंच खो जाने की उम्मीद कम थी, जिसे उन्होंने खरीदे गए फनिमेशन डीवीडी या ब्लूरे में प्रदान किए गए डिजिटल कोड के माध्यम से हासिल किया था। फनिमेशन ने वर्षों से दावा किया है कि ग्राहक इन प्रतियों को हमेशा के लिए स्ट्रीम करने में सक्षम होंगे, लेकिन कुछ प्रतिबंध है। ग्राहकों की डिजिटल संपत्तियों तक पहुंच को हटाने की सोनी की योजना स्ट्रीमिंग सेवाओं पर भरोसा करने के जोखिमों को दर्शाती है। यह उद्योग प्रोग्रामिंग के लिए अचानक लाइसेंस खोने, कीमतों में बदलाव और शीर्षकों तक पहुंच, विलय जैसा कि यहां मामला है, और ऐसे सहयोगों के लिए बदनाम है जो ग्राहकों के हक को बदल देते हैं। ये हो सकता है कि उन्हें मौजूदा अन्य सेवाओं में से किसी पर डिजिटल कॉपी तक पहुंच मिल जाए जहां वे इसे एक्सेस करने में सक्षम हो सकते हैं। ये हमारी सदस्यता सेवा के लिए छूट वाली पहुंच हो सकती है ताकि वे हमारी सदस्यता सेवा के माध्यम से उन्हीं शो तक पहुंच प्राप्त कर सकें। इसलिए हम प्रत्येक उपयोगकर्ता की पसंद के आधार पर इसे सही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब डिकोड पर इस व्यापक उद्योग चुनौती के बारे में पूछा गया तो पुरिनी ने ग्राहकों की असुविधा को स्वीकार किया, लेकिन क्रंचीरोल के लिए हमारे संसाधनों और टीमों को इस बात पर ध्यान केंद्रित रखने के महत्व पर ध्यान दिया कि हमें व्यापक दर्शकों के लिए सर्वोत्तम अनुभव लाने में क्या मदद मिलेगी। हालांकि फनिमेशन ने दावा किया कि डिजिटल प्रतियां हमेशा के लिए देखी जा सकेंगी, लेकिन उनके उपयोग की शर्तें नोट करती हैं कि फनिमेशन किसी भी कारण से सामग्री को हटा सकता है। हालांकि ग्राहकों के लिए सेवा अनुबंधों की लंबी चिंताजनक शर्तों को पढ़ने से बचना असामान्य नहीं है। उन्होंने कहा, पुरिनी जैसे उद्योग भागीदार के लिए सेवा की शर्तों को समझना आसान है, लेकिन व्यापक सामान्य दर्शकों के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। जैसा कि कहा गया है, स्ट्रीमिंग लोगों की मीडिया लाइब्रेरी का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। उपयोगकर्ताओं को ये समझना चाहिए कि वे किस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। इंटरनेट पर पसंदीदा शो और फिल्मों तक पहुँच की गारंटी नहीं है, और असंगत मुआवजा योजनाएँ अक्सर इसका परिणाम होती हैं।